पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांड साखी वृंदावन उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण 32वें कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है, जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया, सुषुप्ति अवस्था का स्वरूप बताया। सलील जल के समान शुद्ध है, जल जैसे शुद्ध होता है उसी प्रकार आत्मा शुद्ध है। उस काल में सुषुप्ति काल में विक्षेप शक्ति का अभाव है। अभी आवरण शक्ति तो है, विक्षेप शक्ति का अभाव है, मतलब शरीर आदि नहीं, वहाँ शरीर आदि का अभाव विक्षेप शक्ति के कारण वास्ता है आत्मा। जागृत स्वप्न में विक्षेप शक्ति काम करती है तो शरीर आदि रूप में भाषता है, ये अवस्था करने वाली यही है। तो सलीला मान विजाति वेद शून्य, मान उससे कोई दूसरी जाति के कोई भी नहीं, आत्मा से दूसरी जाति का कोई नहीं, एक ही है। दूसरी जाति जो भाषते हैं अज्ञान से, जैसे रज्जु में सर्पवासना, सुप्तिका में चांदी भाषना इत्यादि होता है, वैसा है शरीर आदि भाषना है। आत्मा दिखता है शरीर आदि अज्ञान के कारण, अधिष्ठान का ज्ञान से आरोप्य का जन्म दिखता है। शरीर एक एक है, सजाती वेद शून्य है, और दृष्टा ऐसा माने वास्तव में आत्मा दृष्टा भी नहीं होता। दृष्टा माने होता है दृश्य की अपेक्षा दृष्टा कहा जाता है, दृश्य नहीं तो दृष्टा नहीं कहा जाता, किंतु उससे भिन्न सबके सब जड़ है। आत्मा भिन्न जड़ होने से उसको दृष्टा शब्द से बोल दिया, चेतन है कहने के लिए। अद्वैत स्वगत भेद शून्य है, अद्वैत है भवति ऐसा ब्रह्मलोक। उस काल में ऐसा होता है व्यक्ति जो जागृत स्वप्न मनुष्य आदि रूप में घूमने वाला आत्मा सुषुप्ति में ऐसा अद्वैत हो जाता है, ऐसा भवति का ऐसा ब्रह्मलोक, यही है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक ये अवस्था है कहा सम्राट एनम अनुशा कहा, ये सम्राट है राजन यही ब्रह्मलोक है करके याज्ञवल्क्य जी ने कहा। और भी कहते ऐसा से परमागति, इसके परम गति वही है सुषुप्ति काल में आत्मा है, ऐसा परमागति ऐसा से परमो परमा संपद, सबसे बड़ी संपत्ति यही है आत्मा प्राप्ति। ज्ञानी का बाद होकर के आत्मा प्राप्ति आत्मभाव में होना सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसो ऐसे परमो लोक, परम लोक यही है, इसका मुख्य लोक यही है। ऐसो ऐसे परमानंद, इसी का ये परमानंद है, इस परमाता का ये परम आनंद स्वरूप यही है, राज्य भाव में रहना है। ये तस्व आनंद से अन्य भूतानि मात्रा मुख्य जीवन दिया, इसी आनंद का आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका अन्य जो प्राणी जितने भी हैं एक बोध माने विषयों के माध्यम से सेवन करते हैं, आत्मभाव से सेवन नहीं कर पाते, विषयों के माध्यम से सेवन करते हैं, उसे जीते हैं कहा। तो यहाँ वार्तिक है, मंत्र में दो जगह वार्तिक दिया हुआ है। पहले वाला वार्तिक ये चल रहा है शलील को दृष्टा अद्वैत भगवती ऐसे ब्रह्मलोक थी, इसके ऊपर भी वार्तिक है, ये कहा था। वार्तिक बड़ी है, टीका के साथ साथ में वार्तिक लेंगे एक साथ है, अग्नि पृष्ठ में जाके पूरा होती है वार्तिक। उसके आगे सलिलादि वाक्यम तात्पर्य उक्ति पूर्वक में आदत्ते ऐसा कहा है। सलिलादि जो वाक्य है सलीला एको दृष्टा इत्यादि वाक्य है, उसका तात्पर्य उक्ति पूर्वकम, तात्पर्य का कथन पूर्वक ग्रहण करते हैं, स्तुति में ग्रहण किया। पूर्व में कहा था क्या कहा था, यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति इत्यादि कहा था। पूर्व में जो बताया था मान 23 से लेकर के 31 तक जो कुछ कहा, 23वें कंडिका से 31 कंडिका तक जो कुछ कहा, यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति इत्यादि शब्दों से कहा था। उपक्रम में व्याख्यातुं वस्तु विस्तारात्, उसी को व्याख्या हो चुके फिर भी विस्तार से व्याख्या करने के लिए, उसी वाक्य को व्याख्या के लिए सलिलादिग्राह
तस्य क्रियते अत्र उपसमृति का सलिलादि शब्दों के द्वारा गिरा वाले शब्द है सलिलादि शब्दों के द्वारा सलिला एको दृष्टा अद्वैतो इत्यादि भवति ये सब ब्रह्मों के इत्यादि शब्दों के द्वारा उसे क्रियते अत्र उपसमृति उसका उपसंहार किया जाता है ये कहना है। 23 से लेकर के 31 तक जो विस्तार से कहा था जिस आत्मा के बारे में संक्षुप्त आत्मा की चर्चा की थी उसको यहाँ उपसंहार किया जाता है उसका इस कंडिका में उपसंहार करना उसका ये बताया। टीका में कहते हैं सलिल पदार्थ उक्त्यर्थम पात्रिकां करोति। सलिल पद का जो अर्थ आया श्रुति में सलिल शब्द दिया उस पद का अर्थ कथन के लिए भूमिका बनाते हैं अविद्या इत्यादि बोलते हैं बातें का अविद्या तो हेतु कार्य कारणता प्रति सम्यक ज्ञानाद तस्याम ध्वस्तायाम आत्मात्मता। देखो कार्यकारण भाव जो होता है ये कारण है कार्य है जागृत स्वप्न में कार्यकारण भाव में दिखता है संसार यह अविद्या अतो हेतु ये तो हेतु अविद्या ही कारण अज्ञान से ही ये कार्यकारण भाव भासता है यही है। सम्यक ज्ञान तस्याम सम्यक ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान या सम्यक ज्ञान उसके द्वारा तो तस्याम ध्वस्तायाम उस अविद्या को नष्ट करने पर आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या नाश करने पर आत्ममात्रता आत्ममात्र ही है। जैसे रज्जु में रज्जु के अज्ञान से सर्प होता था सर्प भासता था तो सर्प का जो अज्ञान है रज्जु ज्ञान के द्वारा नाश करने पर सम्यक ज्ञान है रज्जु ज्ञान वहाँ सर्प ज्ञान भ्रम ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान के द्वारा सर्प निवृत्त होने पर क्या होगा रज्जु मात्र है वहाँ। ठीक इसी प्रकार अविद्या के कारण यह कार्य कारण का संबंध दिखता है ये कारण है ये कार्य है ऐसा संबंध दिखता है उस अविद्या का नाश करने पर आत्मज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान के द्वारा नाश करने पर आत्ममात्रता सिद्धि आत्ममात्र सिद्ध रहता है उस काल में आत्मा शेष रहेगा। ठीक कहा था ठीक हमें कहते हैं सर्वस्य आत्ममात्रत्व प्रपंच है सारा संसार आत्मा मात्र ही है अज्ञान के कारण रूपांतर में दिख रहा है रूपांतर में दिख रहा है ये विक्षेप शक्ति के कारण है वस्तु कुछ और है कुछ और दिख रहा जैसे रज्जु पड़ी हो सर्प दिखना शुक्ति का पड़ी हो चारी रूप में दिखना मरुभूमि में जल दिखना रूपांतर में दिखना एक कारण सर्वस्य आत्मात्र तो प्रवेश सबके सब है आत्ममात्र है आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं अज्ञान काल में भिन्न रूप से दिख रहा है युद्ध है आत्मात्र इसी को विस्तार करते हैं न इत्यादि करके बोलते हैं ना विद्यामनुपादाय प्रतीचो नात्मसंगति यतो विध्वंसने तस्य नात्मनोऽन्यो वशिष्यते। अविद्याम अनुपादाय अविद्या को ग्रहण किए बिना अज्ञान को लिए बिना न प्रतीचो अनात्म संगति शरीर आदि के साथ अनात्म पदार्थ शरीर आदि के साथ आत्मा का संबंध हो नहीं सकता अज्ञान को लिए बिना अज्ञान के कारण संबंध होता है आत्मा का दिखता है तो अज्ञान के सहारा लिए बिना शरीर आदि जो अनात्म वस्तु है उनके साथ में आत्मा का संबंध होना संभव नहीं है अविद्या के लिए बिना ये तो विद्वंस ने तस्य इसलिए उसका नाश करने पर आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या नाश करने पर तो ना विद्वंस ने तस्य नात्मनोन्यो वशिष्यते आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ कोई बचता ही नहीं उसका सारे के सारे कल्पना है विवर्त है आत्मा दिखता है संसार कोई वस्तु और बचता नहीं। एक ठीक हम कहते हैं आत्मना स्वाविद्याम बिना बिना अनात्म संबंधी हेतु महा आत्मा को अपनी अविद्या के बिना अनात्मा के साथ में संबंध न होने में कारण बताते हैं अज्ञान के लिए बिना अनात्म पदार्थ शरीर आदि के साथ आत्मा का संबंध नहीं हो सकता उसमें हेतु बताते हैं स्वतः इत्यादि बोलते हैं बात स्वतो बबोध मात्रत्वात् कुतो विद्यादि संकृति तस्मात् सलिलवत् शुद्ध कारण कार्य कार्य कारण हानता एक स्वतो अवबोध मात्रत्व स्वतः आत्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान से अतिरिक्त आत्मा में कुछ भी नहीं ज्ञान स्वरूप है वो कुतो अविद्यादि संकृति व अज्ञान के संबंध आदि कैसे हो सकता है ये ज्ञान में अज्ञान कैसे रहेगा आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसमें अविद्यादि के संबंध होना संभव नहीं है अविद्या अविद्या का कार्य शरीर आदि इनके साथ संबंध होना संभव ही नहीं है तस्मात सलिल वत् शुद्ध का इसलिए वो जैसे जल शुद्ध है उसी प्रकार आत्मा शुद्ध है सलिल वत् शुद्ध कार्यकाल कार्यकाल शरीर का अभाव होने के कारण कार्यकाल अभाव संसार का अभाव होता है उस काल में
इसलिए जल के समान शुद्ध होता है। मैं अविद्या को लिए बिना स्वतः के ज्ञान स्वरूप है आत्मा, ज्ञान स्वरूप का अज्ञान आदि होना संभव नहीं है। ज्ञान में अज्ञान, सूर्य में अंधेरा होना संभव नहीं, इसी प्रकार ज्ञान में अज्ञान होना संभव नहीं है। आत्मा में ज्ञान होना अज्ञान होना संभव नहीं है। अज्ञान में तो जगत होना भी संभव नहीं, अज्ञान का कार्य है वो। तस्मात इसलिए आत्मा शरीर के समान, जल के समान शुद्ध है। कहा कार्य काल आधार शरीर और कारण अज्ञान, कारण अज्ञान है, कार्य शरीर आदि है, सबके त्याग हो गया। ज्ञान में अज्ञान आदि, अज्ञान अज्ञान के कार्य रहने सकते, इसलिए शरीर ने वत शुद्ध कहा, आत्मा शुद्ध है बता दिया। ठीक है, हम कहते हैं सर्वस्य आविद्य से विद्या ध्वस्त, जितने भी संसार है आविद्यक है, अज्ञान के कारण जीवित है। जैसे रज्जु में सर्प, जब तक रज्जु का अज्ञान है तब तक जीवित होता है। ठीक, इसी प्रकार सर्वस्य आत्मा, सर्वस्य आविद्य से जितने भी पदार्थ हैं संसार में सब आविद्यक हैं, अज्ञान जन्य होने से। विद्या ध्वस्त, वो जो अविद्या को ज्ञान से नाश करने पर आत्ममात्रत्व तो परिशेष फलित फल परिशेष फलतम शरीर पदार्थ, आत्ममात्र उसका अवशेष बचता है। इसीलिए के शरीर पद का अर्थ यही करना चाहते हैं। ये कहा शरीर पद का अर्थ तस्माद इत्यादि कहा था, तस्माद शरीरवत शुद्ध कार्य कारण हमता एक आधे बात। ठीक है, हमें कहना है एक शब्दम आशंकोत्तर उत्तर तेरा उत्था पैदी सलील, उसके आगे मंत्र में एका शब्द है। तो एक माने एकत्व संख्या विशिष्ट को एक एक कहा जाता है। एकत्व संख्या जिसमें रहे उसको एक बोलते हैं। ये जो अंगुली है ये एक कहते हैं इसको, यहाँ एकत्व संख्या बैठी हुई है। तो पूर्ववादी यहाँ शंका उठाएगा एकत्व संख्या से विशिष्ट होने से अभिव्यक्त द्वैत है, अद्वैत का आत्मा में एका कहा हुआ है। एक में एकत्व संख्या रहती है, संख्या धर्म है, संख्या है वह एकत्व संख्या विशिष्ट जो होगा उसको एक कहा जाता है। वस्तु एक है माने इसमें एकत्व संख्या है, तो वो संख्या और संख्या दो हो जाएगा, द्वैत्व वहाँ भी रहेगा। ये शंका है पूर्ववादी की। ये शंका के उत्तर से आगे की कार्य का बोलना है, कहते हैं ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते हैं एक शब्द में आशंक तरत्वर उत्थापन, एक शब्द आया हुआ है सलील एक शब्द का शंका के उत्तर रूप से उत्थापन करते हैं, पहले शंका बाद में उत्थापन, ये कहना चाहते हैं। क्या है अंतरेणा भी संबंधम कार्य कारण वस्तु स्वतो नेकात्मक तत्त इत्या संख्य उच्यते। कहा पूर्वादि शंकर महाराज, आत्मा के साथ भले ही कार्यकार भाव संबंध न हो फिर भी स्वतो अनेकात्मक तत्त स्वयं एक बोल दिया तो वो स्वयं अनेक रूप है, वो क्यों एकत्व संख्या रहेगी वहाँ, अनेक रूप हो गया, एक एकत्व संख्या और एक आत्मा दो। ये शंका करके आगे उत्तर देते एक बोला हुआ उसका तात्पर्य बताते हैं। ठीक है, शरीर पदार्थ शरीर पदार्थ आत्मान शुद्धम होता, पूर्व में शरीर पद आया उसके बाद एक शब्द आ रहा है, तात्पर्य बताते हैं। शरीर पदार्थ आत्मान शुद्धम होता, शरीर पद के द्वारा आत्मा को शुद्ध कथन करके, शरीर का अर्थ शुद्ध, जैसे जैसे जल शुद्ध उसी प्रकार आत्मा शुद्ध, अविद्या अविद्या के कार्य रहित है वो कथन कर। पुनर् एक पदम प्रयोग जाना श्रुति, फिर एक एक शब्द का प्रयोग करने वाली श्रुति का तात्पर्य क्या होगा, पहले शुद्ध बोला हुआ है शरीर के समान, फिर उसके बाद एक शब्द प्रयोग कर रही है श्रुति, सलीला एक बोल रही है, वैसे शब्द का प्रयोग करने वाली जो श्रुति है तो उस श्रुति का तात्पर्य क्या होगा बोलते हैं। तो श्रुति ऐकरस्यम तस्य विवक्षति, एक शब्द का एक रस है कार्य में तात्पर्य है, एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं, ऐकरस्यम तस्य विवक्ष तस्य माने एक शब्द से ऐकरस्यम विवक्षति, एक रस कभी घटने पड़े वाला नहीं है, एक रस है ये सिद्ध करती है श्रुति। अन्यथा विशेषण वही अर्थ या तो सलील शब्द के द्वारा ही शुद्ध अर्थ आ गया, फिर आगे एक शब्द विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, श्रुति का तात्पर्य यही है, यही कहना चाहती है कि एक रस्यम एक रस है आत्मा, एक स्वभाव वाला है, ऐसा कहने में एक शब्द लगाया, यही कहना है।
एक शब्द से अर्थांतर महाकर एक शब्द का अन्य अर्थ भी हो सकता है। एक का जो विशेषण लगाया आत्मा का तो क्या है, तो कहते हैं न कपित्थादि तत्व स्वतो नेकात्म स्वभावकम उक्त्वा सलिलवत् तस्मात् एक इति अप्रवित श्रुति कहते हैं। कपित्त एक फल होता है, अनेक वर्ण का होता है, अनेक अनेक वर्ण वाला होता है, अनेक का एक है वो। कपित्थादिवत तत्व न कपित्थादि समान स्वरूप आत्मा का नहीं है, स्वतो अनेक स्वभावकम एक ही अकेला है फिर अनेक स्वभाव वाला है, जैसे कपित्त है ऐसा आत्मा नहीं है। उक्त ऐसा कथन करके पहले सलिलवत् सलिल के समान तस्मात एक ही अप्रवृत्त श्रुति कहते हैं, आत्मा को एक कहती है, अनेक रूप नहीं हटाने के लिए एक शब्द कहा, एक कहा। दूसरी भी कहा इसका तात्पर्य एक कहना चाहते हैं, ठीक है। एक शब्द अर्थांतर अर्थांतर विषय अंतर क्या है, सजातीय इत्यादि शब्द कहा, सजातीय निषेध वाही एक शब्द भंडित कहा। सजातीय माने जो जगत में तीन तरह के भेद होता है, एक तो विजातीय भेद, जैसे मनुष्य का गौ आदि में भेद है, वो भिन्न जाति के भिन्न जाति विजातीय भेद। एक सजातीय भेद होता है कि मनुष्य मनुष्य में परस्पर भेद है, एक ही जाति के हैं फिर भी ये मनुष्य से मनुष्य भिन्न है, भेद होता है। और एक ही शरीर में भी भेद होता है, तब तक अवयव को लेकर के भेद होता है, हाथ शरीर नहीं है, सिर शरीर नहीं, ऐसा ऐसा करके भेद होता है। तो स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, तीन प्रकार के भेद आता है। अनात्म वस्तु में तीन प्रकार का भेद है, किंतु आत्मा में वो सजातीय भेद नहीं है, ये कहने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, ये बोला जा रहा है। एक सजातीय निषेध होगा ही एक शब्द न भंडित, एक शब्द के द्वारा यही कहा गया है सजातीय भेद का निषेध, आत्मा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इसके लिए है। अशलील लोग क्या विजातीय विजातीय संबंधी निभा, अशलील शब्द के द्वारा क्या है, विजातीय भेद का निषेध करना, सजातीय भेद एक शब्द के द्वारा निषेध करना, सलीला एक विशेषण लगाया आत्मा का, तो एक शब्द के द्वारा सजातीय भेद का निषेध और सलीला शब्द के द्वारा विजातीय भेद का निषेध किया गया, ये समझना है कहा, ठीक है। तत्रापि तत्शब्द सामर्थ्य होते माने सजातीय भेद के निषेध में भी एक शब्द में सामर्थ्य है, एक माने सजातीय भेद नहीं है, इसमें सामर्थ्य है। द्योतनार्थ ही शब्द कहते हैं, उसमें ही भी लगा दिया बाद में, इसलिए ही लगाया कहते हैं सजातीय निषेध हो ही ही, ही इसलिए लगे, वहां भी सामर्थ्य है एक शब्द का, ठीक आने के लिए। एक पदे सर्व भेद निवारक प्रसन्न भवती किम सजातीय विशेषण है ना, पूर्वादि बोलता है एक एक शब्द है एक पद में सर्वभेद निवारक समुपति, एक ही शब्द एक शब्द सब सारे भेद का निषेध कर, एक बोलने से सजातीय भेद विजातीय भेद आ नहीं सकता, सारे भेद निवारक होता हुआ एक शब्द आया है, इसलिए क्यों सजातीय विशेषण है ना, सजातीय विशेषण क्यों लगाना है, सबके निषेध कर देगा एक लगाने पर, विजाति का भी स्वतः निषेध करेगा, क्यों विशेषण दिया, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं सलिल शब्द से अर्थांतर आश्रित, सलिल शब्द का अन्य विषय है, विजातीय भेद का निषेध के लिए कहना चाहते हैं, सलील इत्यादि कहा था, सलीलोक्त्या विजातीय संबंध ही निवारित, सलील शब्द के द्वारा विजातीय संबंध का निषेध किया गया, विजातीय भेद भी नहीं आता है, क्योंकि अन्य है ही नहीं कोई, विजातीय क्या होगा, इसके लिए कहा, ठीक है। कहते हैं सर्वम सलिलादि आत्ममात्र, जितने भी सलिलादि वस्तु है ना, जलादि वस्तु जितने भी है, आत्ममात्र ही आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं, विवर्त है सब, विवर्त में वस्तु नहीं होता। सर्वम सलिलादि आत्मात्मति निर्देशात, ऐसा निर्देश होने से उपदेश होने से अनात्म भेद से निषिद्धत्वात, अनात्म वर्ग सब निषिद्ध हो गए, अनात्म वर्ग कोई रहा ही नहीं, सबका निषेध है, निषेध होने से एक पदम आत्मभेद निराशार्थम, माने एक पद क्या है, आत्मा में भेद है, जीवात्मा परमात्मा में भेद है ऐसा मानते हैं अज्ञानी लोग, उसके खंडन के लिए एक अलग, नहीं नहीं भेद नहीं एक है, ये कहना चाहते हैं। एक शब्द से संख्यावाचिन गुड़गुड़ी संबंध परत्वात् न विवक्षितार्थता इति आशंका, महाराज एक एक शब्द जो है संख्यावाचक है,
किसी में रहेगा वो, जिसमें रहेगा वो संख्या ही हो जाएगा, खाली एक का प्रयोग नहीं होगा, एकम पुस्तकम एको मनुष्य उसका विशेष होगा, एक शब्द संख्या में प्रयुक्त होता है, उसका वो संख्या दूसरा होता है, एक गुरुवाद बोलता है एक शब्द से संख्यावाचिन हो, एक शब्द संख्यावाचिक है, संख्या एक गुण है, गुणगुणी संबंध परत्वात् आत्मा में एक संख्या रहेगी, एकत्व तो संख्या तो आत्मा गुणी हो जाएगा, संख्या गुण हो जाएगा, संबंध है द्वैत है, अभी भी पूर्वाधिक संख्या है, गुणगुणी परत्वात् संबंध परत्व विवक्षितार्थ था न विवक्षितार्थ, आप जो चाहते हैं एक शब्द के द्वारा सजातीय भेदिक सिद्धि के लिए सिद्ध नहीं होगा, द्वैत है, ये संख्या उठाई तो उत्तर देते हैं इसके, एक इत्यादि शब्द से कहा है, एक शब्द होता संख्यार्थ संख्या संभव आदि यह अद्वितीयार्थ तथा तो द्वितीयार्थ निषेध तथा कहा, कहते हैं कि एक शब्द जो है यहाँ संख्या के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, एक शब्द सलीला एक में जो एक शब्द आया संख्या के लिए नहीं है, क्यों संख्या असंभवात् संख्या जिसमें रखनी हो आत्मा, आत्मा निर्गुण कहा हुआ है, संख्या गुण है उसको रखना संभव नहीं है, केवल निर्गुण से कहा हुआ है श्रुति ने, इसलिए वह आत्मा को संख्या बनाना संभव नहीं है, इसलिए एक संख्या आत्मा में रह नहीं सकता, रह नहीं सकती संख्या कहा, अद्वितीयार्थता एवं वो एक शब्द है अद्वितीय कहने के लिए है, द्वितीय नहीं है कहने के लिए एक लगा है, क्योंकि यहाँ गुणगुण भाव होना संभव नहीं, अद्वितीय अर्थता तो द्वितीय अर्थ जिसे कहा, टीका में कहते हैं यह कि आत्मोक्ति यह शब्द क्या है आत्मा के लिए कथन किया है, नहीं तस्मिन एकत्व गुणो, एकत्व गुण आत्मा में रह नहीं सकता, क्यों निर्गुणत्व श्रुतेर केवल निर्गुण से कहा हुआ है, आत्मा को निर्गुण कहा हुआ है, एक एकत्व संख्या गुण आत्मा में कैसे रहे, संख्या होना संभव नहीं आत्मा में, उसका अर्थ तो वही सजातीय भेद निराश के लिए है, दूसरा आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है कहने के लिए है, निर्गुण श्रुति तेरह संख्यावाचित तो असंभव सिद्धम अर्थ वहा संख्यावाचक बन नहीं पाए एक शब्द, इसलिए विवक्षित अर्थ क्या है तो कहते सिद्ध क्या है अद्वितीय कहा, वो अद्वितीय कहने के लिए है एक शब्द, द्वितीय नहीं है कहने के लिए, माने अज्ञानी लोग दो आत्मा मानते हैं ऐसा नहीं एक है, इसके लिए एक शब्द एक कहा था अद्वितीयार्थता एवं अतो द्वितीयार्थ निषेध होता यही है, ठीक है कहते हैं एक शब्द से वृत्त व्यवहारे संख्यावाचित्व प्रसिद्धेर न अधिवृत्तियार्थता इतिहास का पूर्वाद बोलता हमारा वृद्ध लोग हैं ज्ञान वृद्ध लोग हैं वो एक शब्द क्या संख्यावाचिक संख्या में प्रयोग करते हैं एक मान संख्या एकत्व संख्या जो पूर्वाधिक संख्या एक शब्द से वृद्ध व्यवहार है जो वृद्ध लोग हैं ज्ञान में वृद्ध लोग हैं मान विद्वान लोग हैं उन्होंने संख्यावाचित्व प्रसिद्ध संख्यावाचित्व प्रसिद्ध है उनके व्यवहार में संख्या माना हुआ है इसको न अद्वितीयार्थता एक शब्द अद्वितीय सिद्धि के लिए नहीं है ये शंका पूर्वादि की हो गई तो उत्तर देते हैं एक बोलना चाहते हैं कि श्रुत्यंतर विरोधा यदि उसको संख्या में लेंगे तो छांदो की श्रुति के साथ विरोध होगा एकम एवं अद्वितीय में कहा छांदो में कहा होगा ये बोलना चाहते हैं ये कहा सदैव इत्यादिनाचार्य तथा सदी अविरुद्धता कहते हैं सदैव सौम्यत वग्रे आसीत एकमेव अद्वितीय छांदो में है देखो ये जगत अभी नाम रूप जब जगत दिखाई भासता है इसकी उत्पत्ति के पहले एक सत्मात्र था सत माने वो आत्मा ही था आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं था आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं था वर्तमान में है भी अभी भी आत्मा ही है किंतु अज्ञान के कारण जगत रूप में दिख रहा है एक सदैव इत्यादि चाष्य ये स्मृति का इसका तथा सत्य इस एक शब्द का वहाँ भी एक कहा हुआ है एकम एवं अद्वितीय बोला है छांदों में उसके साथ विरोध नहीं होगा यदि संख्यावाचक माने गया तो विरोध हो जाएगा ये सिद्धांत कहा ठीक है आप बोलते हैं तथा सति एक पद से अद्वयार्थत्व सति यदि तथा सति का अर्थ एक शब्द अद्वय अर्थ मानेंगे तो छांदों के साथ विरोध हो जाएगा ठीक है आप कहते हैं अकारकत्वे हेतुक्तिपूर्वकम अद्रष्टा इत्यस्य अर्थः आत्मा कारक नहीं है
वास्तव में दृष्टा नहीं आत्मा, दृष्टा दृश्य के कारण होता है, देखना देखने वाले को दृष्टा बोला जाता है। ये कहते हैं अकारकत्व हेतु पूर्वम अदृष्टा इत्यस्य अर्थः, श्रुति में जो दृष्टा दिया ना वो अखंडाकार होगा, मतलब अदृष्टा पद है ऐसा समझना, आत्मा दृष्टा नहीं है। दृष्टा होने के लिए दूसरे पदार्थ चाहिए, दूसरा वस्तु नहीं, किसको देखना, कारक नहीं बन पाएगा। इसलिए अकारकत्व हेतु पूर्व हेतु कथन पूर्वक अदृष्टा इत्यस्य अर्थः, श्रुति में जो अदृष्टा पद है उसका अर्थ करते हैं। सलील पद का अर्थ हो गया, एक पद का अर्थ हो गया, अदृष्टा पद उसका अर्थ करते हैं। श्रुति बोलते हैं वार्तिकार कहते हैं प्रत्यक इत्यादि कहा हुआ है, प्रत्यक मात्रावसाय प्रत्यक दृष्टि तस्ततः अकारक स्वभावत्वात् अदृष्टित्व विधीयते कहा। प्रत्यक मात्र अवसायित्व प्रत्यक दृष्टि यथा, जो प्रत्येक दृष्टि है ना, आत्मदृष्टि जो होती है ना, आत्मा में ही परिवसान होती है, अन्य में नहीं जाती, अन्य को देखने वाली नहीं है, वो स्वयं में है, वो स्वयं स्वरूप है, वो आत्मस्वरूप है, अन्य में जाने वाला नहीं। आत्मदृष्टि जो बोलते हैं आत्मा में शेष परिवसान है उसका, आत्मरूपी है वो, और कोई दूसरा दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसे बोलेंगे, ले अदृष्टा है आत्मा, ये कहना है। प्रत्येक मात्र अवसायित्व प्रत्येक दृष्टेर, प्रत्येक दृष्टेर प्रत्येक मात्र अवसायित्व यथा, ये जो जिस हेतु से कि प्रत्येक दृष्टि जो बोलते हैं उसको प्रत्येक मात्र आत्मात्म समापन होती हो, ततः अकारक स्वभावत्व आत्मा कारक में देखने वाला नहीं, तो इसलिए अदृष्टा कहा गया है श्रुति में। सलीला एको अदृष्टा, यह अदृष्टा पद का अर्थ है, अकारक स्वभावत्व अदृष्टा यदि अभिधीयते आत्मा को अदृष्टा कहा जाता है, ये तीसरा विशेषण का अर्थ कर रहे हैं। ठीक आगे कहना होगा दृष्टा यदि पदछेदम आसंग दूषयति, कोई बोलेंगे नहीं दृष्टा कहा हुआ है, एको दृष्टा ऐसा पदछेद के संज्ञा करके दोष देते, यत्र इत्यादि कहा हुआ है, यत्र इत्यादि बात बोला, यत्र ही द्वैतमित्युक्ते यत्र त्वस्येति चेरणा स्वतः पूर्णात्मगम ज्योति अदृष्टात्यभिधीयते, ये कहते हैं। यत्र ही द्वैतमिव भवति, जहाँ जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है जागृत स्वप्न में, तद इतर इतरम पश्यति इतर इतर जिग्रति, वहाँ अन्य होकर के अन्य को देखता है, अन्य होकर के अन्य को सुनता है, इत्यादि कहा हुआ है। द्वैत नहीं, द्वैत जैसा होता है अज्ञान से, ठीक है, ये कहना है। यत्र ही द्वैतमित्युक्ते यत्र पश्यति चेरणा, और जहाँ दो बातें बताई, जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ इतर इतर को देखता है, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है इत्यादि, और जहाँ यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तत्कम केन कम पश्य, जिस काल में सबके सब आत्मरूपी हो गए, सब बाधित हो गए, विवर्त पदार्थ बाधित हो गए, आत्ममात्र ही है, उस काल में क्या देखेगा क्या सुनेगा, किसको देखेगा किस साधन से देखेगा, ये आक्षेप करती है स्तुति। ये स्वतः पूर्णा पूर्णात्मकम ज्योति, स्वयं पूर्ण रूप है ज्योति आत्मज्योति, इसे अदृष्टा इति अभिधीय थे, उसको अदृष्टा कहा जाता है, व्यापक है पूर्ण है, उससे अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अदृष्टा कहा जाता है, ये बताया। ठीक है, हमें कहते हैं सजातीय विजातीय भेद रही, जिसमें जिस आत्मा में सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भेद भी नहीं है, ये रही अभाव, सजातीय विजातीय भेद भी रही जो आत्मा है, ये रही कूटस्थ हो या आत्मा निर्लेप है, कूटस्थ है, यस्मात् आत्मा आत्मा ऐसा है, तस्मात् असौ वो आत्मा स्वगत भेद शून्य इति अद्वैत पदार्थ महा, स्वगत भेद से भी रहित है, सजातीय भेद विजातीय भेद से रहित है, कूटस्थ है, कूटस्थ होने से वो स्वगत भेद से भी रहित है, ऐसा होने से अद्वैत पदार्थ यही होता है, उसका अर्थ कहा यस्मात् इत्यादि बात वो कहा था। यस्मादेव मत हो द्वैत हो विद्या तत्कार्य लंघनात् नह्य विद्यादि विरहे द्वैतधीर उपपद्यते का, यस्मात् एवं ऐसा है आत्मा सजातीय भेद से रहित है, विजातीय भेद से रहित है, स्वगत भेद से रहित है, अद्वैत है, अद्वैत अतो अद्वैतम अद्वैत है आत्मा, अविद्या तत्कार्य लंघनात्, क्यों अविद्या अविद्या के कार्य को उसे पार कर दिया, उसे पार हो गया है, अविद्या भी नहीं हुआ, अविद्या के कार्य शरीर आदि में उस आत्मा, इसलिए वो अद्वैत है, नहीं अविद्यादि भी रहे द्वैत, अविद्यादि के अभाव होने पर द्वैत बुद्धि हो नहीं सकती है,
द्वैत बुद्धि कब होती है? जब अविद्या आदि हो विद्यमान, तब द्वैत बुद्धि होती है। अविद्या आदि के अभाव काल में द्वैत बुद्धि हो नहीं सकती, इसलिए अद्वैत है। ये कहा कि काल बोलते हैं थोड़ा, अविद्या तज्ज अभाव है, अविद्या भी नहीं, अविद्या से उत्पन्न होने वाले कार्य में तज्जन्य कार्य भी नहीं है जिस काल में ऐसा है। अभाव भी अविद्या तज्ज अभाव भी, अविद्या भी नहीं अविद्या के कार्य में होने पर भी स्वगत भेद भाव से किमन से स्वगत भेद तो होगा ना, अभय वाला होगा ना आत्मा, क्यों ऐसा क्यों नहीं माना जाए? ये पूर्वादि की शंका हो गई तो उत्तर दिया नहीं। कहा नहीं अविद्यादि में रहे द्वैत उपत्ते मैं अविद्यादि का अभाव काल में द्वैत बुद्धि हो नहीं सकती है, ये उत्तर दिया। ठीक है, मैं कहते आगे हेतु अभावे फलाभाव से प्रसिद्धत्वाद विभाव, कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होता है, हेतु नहीं तो फल नहीं हो सकता। अविद्या नहीं है तो फिर द्वैत बुद्धि होना भी संभव नहीं, अविद्या काल में द्वैत बुद्धि होती थी, अविद्या हेतु है द्वैत बुद्धि के, हेतु अभाव है फलाभाव। एक हेतु के अभाव होने पर फल का अभाव होता है, ये प्रसिद्ध है इस विभाव का। ननु नये अर्थे त्रय विद्या अन्यतम निर्धारणादृते प्रथम अद्वैतम निर्धार्यते निर्धारिता इति आशंक्य अद्वैत शब्दस्य अवयवशो अर्थः। कहते पूर्वादि शंका करते हैं अद्वैत शब्द में बहुव्रीहि समास हो सकता है, नये तत्पुरुष समास हो सकता है, अव्ययीभाव समास हो सकता है, तीन प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। न द्वैतम अद्वैत, द्वैत जैसे न घट मान घट, घट से अतिरिक्त घट नहीं है ऐसा, न द्वैतम अद्वैतम या नये समास है। पूर्वादि ये कहता है नो नये अर्थ है, नये समास वो रखा है, नये का जो अर्थ होते हैं त्रैविद्याद नये का तीन प्रकार होने से अन्यतम निर्धारणात् कृते, तीन में से एक का निश्चय किए बिना कौन सा यहाँ समास हुआ है, नये का तीन अर्थ होता है पूर्व से, कौन से समास यहाँ है निर्धार प्रथम अद्वैत निर्धारित निर्धारित कैसे अद्वैत का निर्धारण किया जाए, पहले समास दिखाओ कौन सा समास होना है या अद्वैत शब्द में, न द्वैतम अद्वैतम कैसा हुआ, कौन सा समास बहुव्रीहि समास है, अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, क्या है, तो कैसे निर्धारण किया जाए। इतिहास अद्वैत शब्द से अवयव सो अर्थ, अद्वैत शब्द के दो अवयव द्वैत और अद्वैत नकार है, न द्वैत अद्वैत, एक अवयव न है दूसरा अवयव द्वैत है, एक एक का अर्थ बताते हैं, एक आना चाहते हैं, एक आना चाहते हैं देव इसको कहा। द्विधेयतम इत्यादि कहा, द्विधेयतम द्वैतम इत्याहु तद्भावो द्वैतम उच्यते तन्निषेधे तथा द्वैतम प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु द्विधायितम, जो दो तरफ चलने वाले को द्वैत बोला जाता है, द्विधायितम कार्यकारण भाव में जो होगा उसको द्वैत बोला जाएगा, दो है कार्य और कारण, द्विधायितम दो प्रकार से गया है, दो प्रकार से गया है, यदि द्वितम उसको द्वित द्विता बोला जाता है, दो प्रकार के कार्य और कारण, संसारिक पदार्थ दो रूप में है, कार्य और कारण दो रूप में है, इसको द्वित कहा जाएगा। और तद्भावो द्वैत उच्यते, उसके जो धर्म आएगा द्वैत द्वैत द्वित द्वित में आएगा द्वैत धर्म, कार्यकारण भाव जहाँ होगा वो द्वैत धर्म आएगा, वो द्वैत कहा जाता है। तन निषेधे न द्वैतम अद्वैतम, द्वैत का निषेध से अद्वैत होता है, नहीं समास तन निषेधे न अद्वैतम, द्वैत का निषेध करने से अद्वैत होता है, द्वैत नहीं है माने अद्वैत है, अद्वैत ऐसा है, अद्वैत शब्द का भी है, अद्वैता शब्द का ये अर्थ है कहा, प्रत्येक वस्तु अविधीयते अद्वैत शब्द के द्वारा ये आत्मा वस्तु को ही कहा जाता है, जो कार्यकारण भाव में है शरीर आदि वो हो गया द्वैत, तो उससे भिन्न है अद्वैत कौन, आत्मा वस्तु, आत्मा वस्तु को ही अद्वैत शब्द से कहा है श्रुति में, यह है ना शरीर एको दृष्टा अद्वैत एक कहा। ठीक है, मैं कहते हैं इसको है अभाव अवसानत्व अद्वैतम व्यावर्त, माने
ना द्वैत करके द्वैत का अभाव सिद्ध कर दिया, ऐसा तो नहीं कहीं द्वैत अभाव हो, अभाव बन गया न द्वैत अद्वैत, जैसे अघट बोलते हैं घट नहीं है, अभाव सिद्ध होता है, न समाज का अर्थ भी आता है उसे न घटा अघट बोला जाता है, अघट का अर्थ घटा अभाव, इस प्रकार अद्वैत माने द्वैता अभाव, तो आत्मा जो आप तब बोल रहे हैं द्वैता अभाव है, पूर्वादि शंका करके शंका करता है तो उत्तर देते हैं अभाव अवसानत्म अद्वैत व्यावर्तित, ये जो अभाव में परिवसान हो अद्वैत शब्द द्वैता अभाव में उसका खंडन करते हैं, प्रत्येक वस्तु कहा ये कहा हुआ है, प्रत्येक वस्तु करके कहा हुआ है, प्रत्येक वस्तु अभिधीयत है, अद्वैत शब्द के द्वारा प्रत्येक वस्तु मैंने आत्म वस्तु को कहा गया, अभाव को नहीं कहा गया है, द्वैत का निषेध से आत्म वस्तु ऐसा है ये सिद्धांत का। ठीक है, हम कहते हैं कथम द्वैत निषेधवत्व सिद्धि, द्वैत के निषेध कैसे सिद्ध होगा, निषेधवान कैसे आत्मा आएगा, तथा द्विधा ये बोलते हैं, ये कहना चाहते हैं द्विधा त्रिधा व बहुधा कारणम सद्भवेद यह तस्यात्मनि सिद्धत्वात् आत्मा द्वैतो भवेत् तथा, चाहे कारण दो प्रकार के हो चाहे तीन प्रकार हो चाहे अनेक प्रकार के हो जितने भी हो, केवल दो ही नहीं तीन हो चार हो जैसे भी अनेक प्रकार हो, कारण कार्य कारण भाव जितने भी हो कारणम सद्भवेद, कारण विद्यमान होता है चाहे दो बनना हो चाहे तीन बनना हो, जो भी हो जितने भी विद्यमान कारण हैं जितने भी हैं दो या तीन या बहुत जितने भी हैं विद्यमान जितने भी हैं, तस्य आत्मनिषिद्धत्व जितने भी कारण हो सबका निषेध किया जाता है अद्वैत के द्वारा, अद्वैत शब्द वही है तस्य आत्मनिषिद्धत्व आत्मा द्वैतो भवे तथा, आत्मा अद्वैत होता है इसी कारण से होता है, जितने भी संसार की वस्तु कार्यकारण भाव में विद्यमान जितने भी हैं उनका निषेध हो जाता है अद्वैत शब्द के द्वारा, इसलिए आत्मा अद्वैत होता है। एक कहा यह चेत आत्मनि द्वैत कारण अनिषिद्धम तदा तस्मिन् बहु प्रकार द्वैतम स्यात् तस्य च कारणस्य अत्यंत अद्वैतपदेन निषिद्धत्वात् आत्यंतिक द्वैतनिषेध संभवात् अद्वैतो भवेत् आत्मा इति योजना, ऐसे योजना करते हैं यह चेत आत्मनि द्वैत कारण निषिद्धत्व, द्वैत के कारण जो अज्ञान आदि है द्वैत बनाने वाला उसके कारण का जब निषेध हो चाहे कितने भी प्रकार के कारण हो उसका निषेध करने पर, द्वैत का जो कारण है उसको आत्मा में निषेध करने पर तदा तस्मिन् बहु प्रकार द्वैतम स्यात्, उस काल में क्या होगा बहुत प्रकार द्वैतम स्यात्, जितने प्रकार का द्वैत हो वो सब अपने में निषिद्ध हो जाएगा, कारण के नाश से कार्य नाश होता हो जाना निवृत्त हो जाना है जितने भी द्वैत हैं, तस्य च कारण से अत्यंत अत्यंत अद्वैत पद निषिद्ध हो, कारण का अद्वैत पद के द्वारा अत्यंत नाश कर दिया गया कारण नाश करने पर जो कार्य जो होंगे उनका आत्यंतिक द्वैत निषेध संभव, माने कारण के निषेध करने से कार्य निषेध स्वतः हो जाएगा, इसलिए अद्वैत कहा गया है, कारण भी नाश किया है अद्वैत पद के द्वारा, अज्ञान को समाप्त कर दिया अद्वैत पद के द्वारा, अज्ञान के कार्य स्वतः नष्ट हो जाएगा स्वतः निवृत्ति हो जाएगी उसकी, यही यहाँ योजना लगाना कहा। सलिलादि वाक्यात ऐकरस्यम आत्मरो निर्धारित भिन्ना भिन्नत्ववादिनाम तद वाक्य विरोधम आह, कहते हैं सलिलादि वाक्य के द्वारा सलिला एको दृष्टा अद्वैत इन वाक्यों के द्वारा एक रस में आत्मा निर्धार्य, आत्मा एक रस है एक है अनेक नहीं है ऐसा निर्धारण करके भिन्ना भिन्नत्ववादिनाम तद वाक्य विरोधम आह, भिन्ना भिन्नत्ववादी कौन है भर्ती प्रपंच, कोई भी वस्तु होता है एक और अनेक दो प्रकार का होता है, स्वरूपत एक है अवयवों को लेकर के अनेक है जैसे वो आदि को देखा है एकता और अनेकता, तो उनके बाद ही का मत का खंडन करते हैं आत्मा में अनेकत्व तो होना संभव नहीं है, ये खंडन करना है भक्ति प्रबंध मत का खंडन करते हैं, भेद इत्यादि कहा हुआ है बात करते हैं भेद संसर्ग हानार्थम एवं यत्नमपि स्तुतम अनादृत्यान यथा प्राहो अहो विद्या वही यसी, भेद संसर्ग अनाथम आत्मा में भेद का संबंध के नाश के लिए कोई भेद नहीं आत्मा में, सजातीय भेद भी नहीं स्वगत भेद भी नहीं विजातीय भेद भी नहीं, कि भेद का संबंध का समाप्त नाश के लिए एवं यत्नाम अभी श्रुतम, ये सारी यत्न किया श्रुति ने क्या सलिल एको दृष्टा अद्वैता, ये सारा प्रयास किया श्रुति ने, ऐसे श्रुति को भी अनादृत्य आदर न दे करके श्रुति के बातों को विश्वास न करके
अन्यथा प्राहु, लोग अन्य प्रकार मानते हैं, क्या मानते हैं, एक है अनेक भी आत्मा, जो भी वस्तु होता है एक और अनेक दो होता, दो प्रकार के होता है। जैसे गाय, एक गाय है, एकत्व गाय है, किंतु उसको श्रृंगित्व से लेकर के कर्णत्व आदि को लेकर के भेद है, भेदाभेद होता है वस्तु। ये कहना जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं अहो विद्या, ऐसे इनका ज्ञान बहुत बड़ी बड़ा ज्ञान है बाबा, बहुत बुद्धि बड़ी है, ऐसे उड़ाहना देते हैं बात का, मैंने मूर्ख है। श्रुति इतना प्रयत्न कर रही है आत्मा एक अद्वैत सिद्धि के लिए, सलीला एक दृष्टा अद्वैत इत्यादि बोल रही है, और इसको अनादर करके आत्मा अनेक होता, एक होता, अनेक होता, दो प्रकार होता मानने वाले को विद्या, बहुत बड़ी विद्या तुम्हारे पास, बहुत बड़े विद्वान हो, बुलाना देते हैं बात का। ये कहा और विद्या महेश ठीक है, हम कहते हैं श्रुति अवधीर्य आत्मनो भिन्ना भिन्नत्ववादिनां, श्रुति को तिरस्कार करके, श्रुति बोल रही है सलीला एको दृष्टा अद्वैत करके बोल रही है श्रुति, उसको तिरस्कार करके अनादर करके उस वाक्य को, आत्मनो भिन्ना भिन्नत्ववादिनां, आत्मा को जो भिन्ना भिन्नवादी है, भिन्न भी है भिन्न भेदाभेदवादी जो भक्ति प्रबंध है उन वादियों का, विद्या महती मान महान विद्या है करके, उपहासता मान उनके उपहास के लिए कहा गया है, मजाक के लिए है, तेषा अज्ञत्वं प्रतिज्ञातम्, ये अज्ञानी है करके प्रतिज्ञा कर दी इस वाक्य के द्वारा, अहो विद्या महेश के द्वारा वो अज्ञानी है करके प्रतिज्ञा कर दी, कहा प्रतिज्ञातम, ये प्रतिज्ञा की थी ही है। अच्छा प्रतिज्ञा इदानीं तत्साधक न्याय महा, इस समय में उसकी सिद्धि के न्याय न्याय युक्ति देते हैं, आत्मा अद्वैत है, वहाँ अनेक होना संभव नहीं, अनेकता होनी संभव नहीं, उसमें युक्ति देते हैं मिथा इत्यादि बोलते हैं। मिथो विभाग संसिद्ध धर्माणां नाप्रसंश्रयात् धर्मात् धर्मधर्म्या विसंबंधो दृश्यत्वा दृष्टिपेक्षया, धर्माणां विभाग मिथो विभाग संसिद्धिर, अपने आप सिद्ध है धर्मों की सिद्धि के लिए, मान विभाग के लिए आत्मा की आवश्यकता नहीं है, अनेकता दिखाने के लिए आत्मा की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सिद्ध है, ना आत्मसंश्रयात् आत्मा के संबंध से नहीं है, धर्मधर्म्य अभिसंबंधो दृश्यत्व दृष्टिपेक्षया, धर्म और धर्मी का जो संबंध होगा आत्मा में, जो धर्म मानना आत्मा को धर्म मानना क्या होगा, दृश्य होने से दृष्टा की अपेक्षा होगी, यदि आत्म या धर्म और धर्म अभेद है एक है तो इसलिए वहां पर दो होना संभव नहीं है, आत्मा में धर्म होना संभव नहीं था, ठीक आप बोलते हैं इसको। दृष्टियादि धर्माणाम आत्माश्रयत्व, दृष्टियादि धर्म जो दृष्टि श्रुति मति इत्यादि जो बोला था ये सब आत्मा में आश्रित मानने पर, ततो भेद से दुर्वचन, तो फिर तो आत्मा से भिन्न मानना पड़ेगा इनको, आत्मा अधिकरण होगा तो भेद मिथो की देशा में भेदा सिद्धि, परस्पर उन्हें भेद की सिद्धि नहीं हो पाएगी, परस्पर दृष्टि आदि के भी भेद सिद्धि नहीं होगा, ना आत्मधर्मदा इत्यर्थ, वो आत्मधर्म नहीं है दृष्टि आदि, आत्मस्वरूप है धर्म नहीं कहा। दृष्टि आदि नाम आत्मनो न भिन्नत्वम, दृष्टि आदि आत्मा से भिन्न नहीं है सिद्धांत बोलते हैं, ना भी अभिन्नत्वम अभिन्न भी नहीं, धर्म धर्मित्व होगा धर्म धर्मी होना संभव नहीं, भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं दोनों, किंतु भिन्नाभिन्नत्व तत्सिद्धि पूर्वादि बोलता है, भिन्ना भिन्न हो भिन्न भी हो अभिन्न भी हो, दृष्टि आदि आत्मा भिन्न भी हो अभिन्न भी हो, ये शंका उठाई तो कहा धर्म इत्यादि कहा हुआ है, भारतीय को कहा हुआ है धर्म शब्द से कहा, धर्म धर्म अभिसंबंध ये कहा, दृश्यत्व दृष्टिपेक्षया दृष्टाशुद्धो निसंग निसंगिका द्वयस्तथा इत्यादि कहा है, और श्रुति युक्त अतो वृद्धो अतो निरीक वर्णते, धर्म धर्मी का जो संबंध होगा दृश्य होने से दृष्टा की अपेक्षा करेंगे, यदि संबंध होगा अभिन्न होगा तो दृष्टा बन नहीं पाएगा आत्मा वहाँ दृष्टि आदि को देखने के लिए, दृष्टा सलिलवत शुद्ध जो दृष्टा कहा है जल के समान शुद्ध बताया हुआ है, निसंग का द्वयस्तथा निसंग है कोई संग नहीं, धर्म आदि संबंध नहीं वहाँ, अद्वय है तथा उसको श्रुति उक्तो, श्रुति ने जैसा अर्थ बताया उसे अतो विरुद्ध अर्थ, विरुद्ध अर्थ करते हैं नहीं भेदा भेदे आत्मा में करके जो कहते हैं निर्हीक
गृह वर्णते निर्लज्ज लोग हैं ये वर्ति प्रपंच आदि ऐसा वर्णन करते हैं भिन्ना भिन्न करते। स्तुति ने अभेद बताया, एक बताया और ये भिन्ना भिन्न बोलते हैं स्तुति ने श्रुति को, यही उन्होंने कहा कि काम करते हैं। दृष्टि अपेक्षया दृश्यत्वात् एव घट रूप घटादिशु धर्म का भी संबंध, देखो रूप और घट, घट में रूप है माने लाल रक्त आदि रूप है घट में, रूप और घट में दृष्टि के अपेक्षा से धर्म धर्मी संबंध दिखता है, ये धर्म है घट धर्म है रूप ऐसा दिखता है, वो दृष्टा की अपेक्षा से दिखता है ये कहना है। दृष्टि अपेक्षा दृष्टा को अपेक्षा करके दृश्यत्व आदि घट में जो घट का और रूप का संबंध दृष्टा के द्वारा दृश्य होता है, दृष्टा देखता है यह संबंध है घट का और रूप का ऐसा, तो दृष्टि अपेक्षया दृश्यत्वादेव घट रूप घटादिशु धर्म 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 संबंध दृष्ट है, वहाँ धर्म और धर्म संबंध धर्म रूप है धर्म घट है ऐसा दिखा पड़ा दृष्टा के अपेक्षा के द्वारा। न चाह आत्मधर्माणाम तदृश्यत्व, आत्मधर्म आत्मा से देखा नहीं जाता, जैसे घट का धर्म घट से नहीं देखा जाता, उसका दृष्टा की अपेक्षा होगी, तो आत्मा में जो धर्म हो वो आत्मा के द्वारा देखा नहीं जाता, ठीक है। तदृश्य न तो आत्मधर्म तदृश्यत्व, आत्मा का जो धर्म होगा वो आत्मा से दृश्य नहीं होगा, आत्मा में भी तत्प्रसंग, अगर ऐसा हो तो आत्मा भी वैसे बनने लग जाएगा, अन्य के द्वारा देखने होगा दृश्य बनेगा। न तो स्वयं व स्वस्य दृश्यत्व, अपने आप ही अपने को देख नहीं सकता कोई, अपने से भिन्न को देखता है। न तो दृष्टांतरम अन्य दृष्टा है नहीं आत्मा को देखने वाला, इसलिए अतो दृष्टि आदि नाम ना आत्मधर्म था, तो दृष्टि आदि कहा गया आत्मधर्म नहीं है। पूर्वादि बोलता था धर्म को लेकर अनेक होता हो और धर्म लेकर एक होता है हर एक वस्तु, कहा वो आत्मधर्म दृष्टि आदि होना संभव नहीं, ये कहा यदि भाव कहा। शरीरादि वाक्यार्थम अनुवदन भेदाभेदवादी नाम तद विरोधम उपसमर्थिका, शरीरादि वाक्य का अनुवाद करते शरीर एक दृष्टा अद्वैत, ये वाक्य है श्रुति में, सलिलादि वाक्य अर्थम अनुवादन उनके अनुवाद करते हुए भेदाभेदवादी नाम जो भेदाभेदवादी भक्ति प्रपंच है उनका तद विरोध, श्रुति के साथ विरोध है उनका, ये उपसंहार करते हैं दृष्टा इत्यादि शब्द से कहा इसका, दृष्टा सलिल शुद्धो निस्संगिका तो यथा श्रुति उक्तो अतो विरुद्धर्थो निरीह वर्ण दे, कहा दृष्टा माने सलिल शुद्ध है या आत्मा जैसे जल जल के समान शुद्ध है, निस्संगिक अद्वैत तथा संग रहित है संबंध नहीं किसी के साथ भी, धर्म धर्म संबंध वाला नहीं है अद्वय है, उसी प्रकार श्रुति उक्तो अथो विरुद्ध अर्थ, श्रुति ने जो कहा इस प्रकार से आत्मा को बोला उसे विरुद्ध अर्थ कहते हैं, धर्म धर्मी की कल्पना करते हैं आत्मा में, गृही कई निर्लज्जों के द्वारा यहाँ वर्णन किया जाता है ये कहा, ठीक है बोलते हैं इसको। अर्थो अर्थ शब्दों भिन्ना भिन्न तो विषय आया, अर्थ ये श्लोक में जो अर्थ आया उसका भिन्ना भिन्न तो विषय अर्थ करते हैं लोग, यह थे आत्मा उच्चते यह शब्द के द्वारा आत्मा कहा गया, आत्मनो भिन्ना भिन्नत्व से श्रुति न्याय विरोधम हुआ, आत्मा में भिन्ना भिन्नत्व जो मानते हैं भर्ती प्रपंच भिन्न भी है, धर्म को लेकर के भिन्न है धर्म भी है एक है ऐसा जो मानने वाले भर्ती प्रपंच है उनका श्रुति न्याय विरोध, युक्ति से विरोध श्रुति से विरोध है ये कथन कर, तद असंभव दृष्टान्त संभव ही नहीं आत्मा में धर्म धर्मी भाव का संबंध कल्पना करना, दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध करते हैं। तमा कहा तमादि शब्द का तमो सत्व में था भान हो सतश्चाप्य सदन सतः वियतो मूर्तता एवं सात भिन्ना भिन्न तो महात्मा, देखो जैसे सूर्य में अज्ञान का अंश अंधकार का अंश नहीं रह सकता, तमो सत्व में था भान हो भानु में सूर्य में जैसे अंधकार नहीं रह सकता अंश भी थोड़ा सा भी अंधकार नहीं रह सकता, और सतश्चापी असत अंशता जो सत पदार्थ है विद्यमान पदार्थ है उसमें असत पदार्थ नहीं हो सकता अंश भी नहीं रह सकता, वियतो मूर्तता एवं यदि आत्मा में धर्म की कल्पना करेंगे तो सूर्य में अज्ञान अंधकार की कल्पना के समान है हो नहीं सकता, इसी प्रकार सत पदार्थ विद्यमान पदार्थ में अविद्यमान पदार्थ की कल्पना और वियतो मूर्तता और वियत में
सावे मानना आकाश को इस प्रकार जैसा होता हो एवं स्यात् भिन्ना भिन्नत्वात्, जैसा हो सके तो भिन्ना भिन्नत्व आत्मा में हो पाएगा, किंतु ये संभव नहीं है। आकाश को सावय सिद्ध करना संभव नहीं है, सूर्य में अंधकार समावेश करना संभव नहीं है, और विद्यमान पदार्थ में अविद्यमान पदार्थ समावेश करना संभव नहीं है, तो आत्मा में धर्म की कल्पना भी संभव नहीं है। ये सिद्धांत बताया टीका में है। एस ब्रह्मलोक आगे, एस ब्रह्मलोक शब्द है मंत्र में, एस ब्रह्मलोक माने सलील एको दृष्टा अद्वैत, उसके बाद एस ब्रह्मलोक ये शब्द है, उसका अर्थ करना है। एस ब्रह्मलोक इत्यादि वाक्यस्तम एस शब्द आदत्त, एस ब्रह्मलोक में तीन ये एक समस्त पद है और एक अलग है। ये सब जो एस ब्रह्मलोक जो वाक्य है उसमें पहले एस शब्द का अर्थ बताते हैं, ये सब माने क्या है। ठीक है, एस ब्रह्मलोक इत्यादि वाक्य से वाक्यस्थ इत्यादि वाक्य में स्थित जो एस शब्द है उसको ग्रहण करते हैं। अतः इत्यादि कहा हुआ है वाक्य में, अतः ऊर्धम विवक्षा प्राग यद पुनः पुनः तद विमुक्ते समासत्वात् समाप्तत्वात् एस इत्यवयात् मुनि। पहले चतुर्थ अध्याय तृतीय में चौदह कंडिका से लेकर के कई कंडिकाओं में कहा राजा दे मैं आपको गो सहस्त्र दादा हूँ, इस प्रश्न के उत्तर जो आपने दिया 1000 गाय देता दान देता हूँ। अतः उत्तम विवक्षा है गुरु, इसके आगे मोक्ष के लिए बताइए, बार बार कहा था जनक जी ने पहले। तो अतः ऊर्धम विवक्षा है जनक का वाक्य था, मैंने इसी चतुर्थ अध्याय तृतीय मान तृतीय ब्राह्मण जो चतुर्थ या तृतीय ब्राह्मण के चौदहवें का निकास से शुरू किया था, कई कार्यक्रम का मन को निकाह में कहा था, अतः उत्तम विमोक्षाए गुरु ही, अतः उत्तम विमोक्षाए गुरु ही, ऐसा बोलते रहे जनक जी। यदि उत्तम जो जनक ने कहा था प्राग यद पुनः पुनः, पहले बार बार कहा था जनक ने चतुर्दश कंडिका से लेकर के पुनः पुनः कहा था, तद विमुक्ति समाप्त हुआ, उनके जो विमुक्ति पदार्थ का अर्थ पूरा हो गया समाप्त होने से। क्यों यहाँ आके बोल दिया सलीला, यही मुक्ति का यही है सलीला, स्वच्छ सजातीय विजातीय आदि भेद से रहित हो जाना, यही आत्मभाव है ऐसा। तद विमुक्ति समाप्त समाप्त होने से ऐसा इति अभ्यथात बने, अरे बाबा यही तो ब्रह्मलोक है, ऐसा बोल दिए, आगे बोल दिए ऐसा ब्रह्मलोक यही ब्रह्मलोक है, मान सजातीय विजातीय स्वगत भेदादि से रहित होकर के कार्यकारण भाव से संबंध से रहित होकर के रहना, यही है, यही अद्वैत भाव में बैठना, यही ब्रह्मलोक है, ऐसा कहा ऐसा ब्रह्मलोक इत्यादि मुनि ने कहा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, उक्तम पृष्ठ में दियावत, पूर्व में जो जनक ने बार बार कहा था उसको जो पूछा गया था, अतौर्धम विवक्षा गुरुही, अतौर्धम विवक्षा गुरुही कहा उसका, आत्मा सन्निहितत्वात् एष शब्दवाच्य कहते हैं, आत्मा सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक आत्मा है, आत्मा से बाहर होते बुद्धि, बुद्धि से बाहर मन, मन से बाहर इंद्रिय, इंद्रिय से बाहर शरीर, शरीर से बाहर विषय, सबसे नजदीक है, इसलिए एतत् शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसा आत्मलोक ऐसा ब्रह्मलोक ऐसा कहा, एतत् शब्द का प्रयोग इसलिए कहा। ये कहते हैं आत्मा सन्निहितत्वात्, सन्निहित है सबसे नजदीक है, अपना स्वरूप है वो, सन्निहित होने से कहा ऐसा शब्द, एतत् शब्द का वाच्य बना दिया कहा। न तस्य अनिदम अदिमा अनिदमाकार से शास्त्रगम्य से एतत् शब्दार्हता इति आशंक्य, पूर्वादि बोलता है इदम का विषय जो नहीं है आत्मा, इदम माने बाहर होता है घट आदि को इदम बोला जाता है यहाँ, तो पूर्वादि की शंका है कि न तस्य माने आत्मनो आत्मा का अनिदमाकार से इदमाकार नहीं है वो, इदमाकार से ज्ञान एक शास्त्र गम्य से, वो शास्त्र मात्र गम्य है, वो शास्त्र से जाना जाता है उसको आत्मा को, अन्य कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं है, तो एतत् शब्दार्हता उसको एतत् शब्द के युग नहीं होना चाहिए, या ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्यों वो शास्त्र गम्य है, शास्त्र से जानने योग्य है, और इदम इदम आकार नहीं, इदम पुस्तकम ऐसा नहीं, बाहर नहीं विषय, तो कैसे यहाँ ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया, शंका आ गई पूर्वादि के, तो उत्तर दिया प्रत्यक इत्यादि बोलते हैं।
बाप जो प्रत्यक इत्यादि होता है, प्रत्यक दृष्ट्य में वही थे प्रत्यक्षात आत्मवस्तु ऐसा इत्यात्म निर्देशो यद साक्षात इति श्रुति करे, प्रत्यक दृष्टि अव्यवहित करे, आत्मदृष्टि का व्यवधान नहीं है, अन्य के लिए व्यवधान है, बुद्धि को देखने के लिए हमारी आवश्यकता है, हमारे जानने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है, हम अपने को पहले जानते हैं, अपना ज्ञान होता है, मैं हूँ, मैं इस साधन इस साधन के द्वारा इसकी सिद्धि, इस प्रमाण के द्वारा इस वस्तु की सिद्धि करूँगा, ऐसा सोचने वाला पहले होता है व्यक्ति, प्रत्येक दृष्टि जो आत्मदृष्टि है यार, प्रत्येक दृष्टि दृष्टि अव्यवहित व्यवहित न होने से व्यवधान नहीं है, व्यवधान पूर्वक नहीं है यार, कोई व्यवधान नहीं है, माने मन की आवश्यकता नहीं है अपने को जानने के लिए, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है अपने को जानने के लिए, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, घट आदि को जानने के लिए बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, इंद्रिय चाहिए, तब घट आदि को जान सकता है, अपने जानने के लिए नहीं, प्रत्येक दृष्टि जो आत्मदृष्टि है वह अव्यवहित है, व्यवहित में व्यवधान युक्त नहीं होने से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है आत्मस्वरूप, व्यवधान नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष होने से आत्मवस्तु का प्रत्यक्ष ऐसा ही आत्मनिर्देश होगा, इसलिए ऐसे पद के द्वारा आत्मा को समझ रहा है, हाँ ऐसे ब्रह्मलोक में आया हुआ ये शब्द आत्मा का निर्देश उपदेश करता है, यद साक्षात श्रुति पहले तृतीय अध्याय में बोल के आया है, यद साक्षात अपरोक्षात्मक, जो साक्षात अपरोक्ष जो होता है वही ब्रह्म होता है, साक्षात अपरोक्ष कौन है, बिना व्यवधान के अपरोक्ष अपना स्वरूप वही ब्रह्म है, ये कहा था ये श्रुति ने कहा तृतीय अध्याय, ठीक है हमें कहते हैं तत् अव्यवहितत्वम्, आत्मा को अव्यवहित कहा, प्रत्येक दृष्टि व्यवधान युक्त नहीं कहा वह, तदात्मत्वम वो आत्मा है जो व्यवधान युक्त न हो उसको आत्मा कहा जाता है, ततश्च प्रत्यक्षत्वादि, इसलिए प्रत्यक्ष होने से ऐसा शब्दारत्व आत्मनो अस्ति, आत्मा में ऐसा शब्द की योग्यता है, इसलिए ऐसा ब्रह्मलोक एक आत्मना प्रत्यक्ष होते मानव, आत्मा प्रत्यक्ष होता है, अन्य किसी के इंद्रिय आदि की अपेक्षा नहीं है, प्रत्यक्ष होता है स्वरूपतः, इसमें प्रमाण देते हैं यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म करके कहा था तृतीय अध्याय में, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ऐसे आत्मा सर्वांतर इत्यादि कहा था, ठीक है ब्रह्म शब्दार्थ वहा ऐसा ब्रह्म लोक, ऐसा का अर्थ हो गया आत्मा, और आगे ब्रह्म और लोक दो शब्द हैं ब्रह्म लोक, ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं वहाँ अव्यावृत इत्यादि कहा, अव्यावृतानुगतम निसामान्य विशेषतः ब्रह्मेति मुख्य वृत्तेह वस्तुश्रुत्याभिधीयते, कहा अव्यावृत अनुगतम, जो किसी से पृथक भी नहीं होता, भिन्न भी नहीं होता, अनुगत भी नहीं है, किसी भी संबंध भी नहीं है, अलग भी नहीं होता, ऐसे वस्तु को ब्रह्म कहा जाता है, अव्यावृतम अव्यावृत अनुगतम, व्यावृत भी नहीं है, पृथक नहीं होता किसी से, और अनुगत भी नहीं है किसी में, ऐसा निर्लेप वस्तु को ब्रह्म कहा जाता है, सामान्य विशेष, क्यों वहां पर सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं, सामान्य विशेष रहित है ऐसा, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ यही होता है अव्यावृत अनुगतम निसामान्य विशेष, ब्रह्म इति मुख्य वृत्तिया, ब्रह्म शब्द मुख्य वृत्ति से कहा गया, गौण नहीं, मुख्य वृत्ति से ब्रह्म कहा हुआ है, यह वस्तु श्रुतिया विधीयते, ये सब ब्रह्म लोग में आयो ब्रह्म कहा था श्रुति के द्वारा ऐसा कहा जाता है, ये कहना है, ठीक है कहते हैं तत्र हेतु अव्यावृत में हेतु क्या है, निसामान्य विषय व्यावृत भी नहीं, किसी पृथक भी नहीं होता है, अनुगत भी नहीं है, उसको ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा का किसी के साथ संबंध भी नहीं है, अन्य से पृथक भी नहीं होता, ऐसा है वो निसामान्य विशेष हेतु दिया उसने, वहाँ क्यों सामान्य विशेष दोनों धर्म नहीं हुआ, जाति भी नहीं विशेष भी नहीं है, आगे ठीक है कहते हैं अस्थि कमलासनादि विशेषवत अभी ब्रह्मा, कोई बोले महाराज एक ब्रह्मा जी को जो ब्रह्म बोलते हैं जो कमलासन है कमल आसन वाले उनको तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है ना वो विशेष है वो तो उसमें भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग है पूर्वादी बोल रहे अस्थि कमलासनादि विशेषवत जैसे कमलासन वाले कौन है चतुर्मुख ब्रह्मा कमल में बैठने वाले कमलासन वाले विशेष वाले भी होते हैं ब्रह्म होता है ब्रह्म ऐसा कोई बोले तो उसी बोलते हैं वो कौन प्रयोग है मुख्य ब्रह्म नहीं हो मुख्य ब्रह्म तो यही है अव्यावृत अनुगत जो किसी से पृथक भी नहीं होता किसी में संबंध भी नहीं है अनुगत भी नहीं है पृथक भी नहीं है
उसको मुख्य वृत्ति से कहा या मुख्य वृत्तिया ही हो सकते कहा था, ब्रह्म शब्द ने मुख्य वृत्ति से कहा, बात नहीं बोला ठीक है। यह यदि ब्रह्मलोक शब्द निर्देश, यह शब्द माने ब्रह्मलोक शब्द है ना, यह सब ब्रह्मलोक जो ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है यहाँ यह मुख्य वृत्ति से कहा गया है, यही है ब्रह्मलोक। यह माने इस ब्रह्मलोक शब्द में जो ब्रह्म शब्द आया हुआ है यह ब्रह्म का अर्थ मुख्य वृत्ति से लिया गया है, अव्यावृत अनुगत, किसी से पृथक भी नहीं होता और किसी से संबंध भी नहीं होता, अनुगत भी नहीं पृथक भी नहीं, उसको ब्रह्म कहा गया ठीक है। आगे ठीक है, अव्यावृत अनुगत वस्तु ब्रह्म इति स्मृति अभिधीत इति संबंध, अव्यावृत और अनुगत जो वस्तु है ना, किसी से पृथक भी नहीं होता किस में संबंध में, उसी को ब्रह्म कहा जाता है स्मृति के द्वारा यहाँ, ये सब ब्रह्मलोक इति संबंध। लोक शब्द से भोग भोग भूमि विषयत्व प्रकरणादिना व्यावर्तन विवक्षा, लोक माने भोग भूमि, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, ये होगा वहाँ लोक शब्द का अर्थ, ये पूर्वादी शंका उठाएगा उसका व्यावृत्ति करते नहीं लोक, यहाँ इस यहाँ पर ब्रह्मलोक में आया हुआ लोक शब्द पृथ्वी आदि का लोक शब्द लोकवाचक नहीं है, ये सिद्धांत बोला जा रहे हैं। लोक शब्द से भोग भूमि, भोग भूमि जैसे पृथ्वी एक लोक है, भोग का भूमि है, भोग का स्थान है, स्वर्ग एक वेद है, अंतरिक्ष भोग भूमि है, उसको लोक बोला जाता है, ऐसा यहाँ नहीं समझना लोक शब्द का अर्थ, ब्रह्मलोक में आया हुआ लोक शब्द ये जाना जाता है। लोक शब्द से भोग भूमि विषय तो प्रकरणादि, प्रकरण क्या है यहाँ, ज्ञान का प्रकरण है, यहाँ प्रकरण से लेना है, यहाँ लोक माने ज्ञान है, दर्शन ब्रह्म दर्शन यही है, यही ब्रह्म दर्शन है, ब्रह्म दर्शन इसी को कहते हैं, अद्वैत भाव में रहना ब्रह्म दर्शन है, सलील एको दृष्टा अद्वैत, उसके बाद ये सब ब्रह्मलोक है, यही ब्रह्मलोक है अद्वैत भाव में होना, यही कहना है। प्रकरण आदि के द्वारा निषेध करते व्यावर्तन विवक्षित, यहाँ लोक शब्द का अर्थ विवक्षित अर्थ क्या है, जो ये सब ब्रह्मलोक में आया लोक शब्द, यहाँ प्रकरण प्रमाण से ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, लोक माने यहाँ लोकप्रिय दर्शन धातु से लोक बना हुआ है, जानना एक ब्रह्म दर्शन होना या अर्थ लेना है, ये कहना चाहते हैं तथा इत्यादि कहा हुआ है लोक शब्द का अर्थ। यथा लोक हृदातो दर्शनार्थत्व हेतुतः प्रकृतत्व तथा लोक दृष्टि लोकन लोक उच्यते, यही कहा हुआ है। जिस प्रकार लोकप्रिय दर्शन धातु है, देखने अर्थ में धातु है लोक धातु, उसी का लोकप्रिय दर्शन धातु के अर्थ दर्शनार्थ ज्ञानार्थ होने से, ये हेतु से प्रकृतत्व प्रकृत वही है, यहाँ ज्ञान के लिए प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण इसलिए तथा दृष्टि लोकन लोक उच्यते कहा, इसको यहाँ दृष्टि को ही कहा लोक माने ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है, अद्वैत भाव में रहना ही ब्रह्म ज्ञान है, ये कहा हुआ है, ये लोक शब्द कहते हैं ज्ञान है दर्शन है ये बताया ठीक है। हमें कहते हैं अवयवार्थम, ये बोलते हैं अवयवार्थम उक्त्वा ब्रह्मलोक शब्द से समास, एक एक शब्द ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया, लोक शब्द का अर्थ हो गया, ब्रह्म माने अव्यावृत अनुगत जो वस्तु है उसको ब्रह्म कहा, और लोक माने दर्शन या, ये तो एक एक अवयव का अर्थ हो गया, और समास करके अर्थ लेते हैं, ब्रह्म ब्रह्म लोक में समास है तो कर्मधारय समास से अर्थ निकालते कहते हैं समास, वहाँ कर्म इत्यादि कहा है, कर्म इत्यादि शब्द कहा कर्मधारय एवात समासोत्र उपपद्यते न तो षष्ठी समासोत्र विभाग से अप्रसिद्धिता कहते हैं, या कर्मधारय समास करना ब्रह्म ही लोक है ब्रह्मलोक, ब्रह्मणा लोक है ब्रह्मलोक, ऐसा नहीं ब्रह्म का लोक ऐसा अर्थ नहीं करना, संबंध में समास नहीं षष्ठी में नहीं, कर्मधारय समास जो ब्रह्म है वही लोक है, ब्रह्म और लोक में अभेद है, ये कहा कर्मधारय समास करना है, ये ब्रह्म और लोक शब्द में समस्त पद है, कर्मधारय समास है अभेद करना, जो ब्रह्म है वही लोक है, ये कहा कर्मधारय समास दिखाया है। कर्मधारय ये बात है समासो अत्र उपपद्यते, कर्मधारय समास ही होगा, यहाँ अभेद करना है ब्रह्म और लोक में, न तो षष्ठी समास होत्र विभाग से अप्रसिद्ध, विभाग यहाँ प्रसिद्ध है नहीं, ब्रह्म का लोक यहाँ प्रसिद्धि नहीं है, यह प्रसिद्ध यही है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक ऐसा अर्थ करना, ये कहा ठीक है। हमें बोलते हैं ब्रह्म शब्देन तत्पदार्थस्य लोक शब्देन त्वं पदार्थस्य उक्त रीत्या
अभिहारम अर्थ शब्द आता है। देखो यार ब्रह्म शब्द आया है ब्रह्मलोक में, ब्रह्म शब्द का अर्थ है तत्पद का अर्थ, तत्वमसी में आए हो तत्पद का अर्थ है, ब्रह्म शब्द का अर्थ तत्पद का अर्थ होता है। और लोक शब्द है ना तोम पदार्थ है, तत्वमसी में तोम पद का जो अर्थ है या लोक शब्द से कहा गया है। उत्तरित अभिधानम अर्थ शब्द, ये दोनों कथन करने के लिए अर्थ लगा दिया कहा। ननु निषादस्त पति अधिकरण पूर्वक्ष आएव समासांतरे संभावित कथम कर्मधारो नियमित तत्र। ब्रह्मसूत्र में एक चर्चा है निषादस्त पति न्यायाद ऐसा है, निषाद कारपेंटर को निषाद बोला, निषाद का जो कारपेंटर होगा, निषाद के यहाँ काम करने वाला कारपेंटर होगा उसके यहाँ यज्ञ कराए, और निषाद के यहाँ काम करने वाला जो कारपेंटर होगा शूद्र जाति का होगा, तो ब्राह्मण वहाँ यज्ञ कराएगा कि नहीं कराएगा विचार हुआ है, पूर्व मीमांसा में विचार हुआ है, ये कहते हैं ना निषादस्थपति अधिकरण पूर्व पक्ष में आएगा। उस निषादस्थपति में आया हुआ जो अधिकरण में आया पूर्व पक्ष युक्ति से, पूर्व पक्ष बोलेगा नहीं शूद्र को यज्ञ कराए, शूद्र के यहाँ ऐसा अर्थ निकालेगा, किंतु सिद्धांत बोले नहीं नहीं नहीं, जो निषाद हो स्थपति कर्मधार समास करना, षष्ठी समास नहीं करना, जो निषाद हो और कारपेंटर भी हो उसके यहाँ, निषाद जो होता है कारपेंटर हो माने शूद्र जाति से भिन्न होता है, इस ऐसा अर्थ निकालते हैं सिद्धांत की। तो पूर्व पक्ष है न्याय से पूर्वादि बोलता है समासांतर समाप्त, समासांतर षष्ठी समास हो सकता है, ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक कर्मधारी क्यों करना, पूर्वादि की शंका है। कथम कर्मधारे नियमित कर्मधारे समास, ब्रह्म लोग ब्रह्म लोग या कर्मधारे समास कैसे करना है, तत्वशी आया हो जैसा करके कैसा, ये शंका आ गई। तो कहते हैं न तो षष्ठी समास होत्र, यहाँ षष्ठी समास नहीं करना, ब्रह्मलो लोग ब्रह्म लोग नहीं करना, ब्रह्म लोग ब्रह्म लोग कर्मधारे समास करना है, ये कहा। तत्र ही वेदम आदाय समासांतरम संगीतम, वहाँ ब्रह्मसूत्र में ना जो निषादस तपति भी आ जाए भेद मान करके, निषाद अलग है स्थपति अलग है, ऐसे भेद मान करके शंका उठाई, निषाद के थपति जो होगा मान षष्ठी समास की शंका उठाई थी, वहाँ निषाद स्थपति में समास है, तो निषाद निषाद का कारपेंटर है अथवा निषाद रूप कारपेंटर है, तो पूर्व पक्ष का भिन्न है निषाद के बड़े कारपेंटर है, सिद्धांत का नहीं निषाद ही वहाँ कारपेंटर है, ऐसा ऐसा अर्थ किया। तत्र ही उस ब्रह्मसूत्र में जो निषाद स्थपति अधिकरण है वहाँ भेदम आ रहा है, भेद है षष्ठी समास है निषाद के स्थपति, ऐसा अर्थ कर समासांतर संगीतम शंका उठाई गई थी, समासांतर मान षष्ठी समास का न च अत्र तत्व अर्थयोर्भेदे मानव अस्ति, या तत् और तुम पद के अर्थ में भेद में प्रमाण नहीं मिलता है, तथा च तदीय सिद्धांत न्याय न वही के सिद्धांत न्याय, सिद्धांत न्याय कर्मधार समास किया वहाँ निषाद स्थपति में, ठीक इसी प्रकार कर्मधारे इत्यर्थ यहाँ भी कर्मधारे समास कर, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ तत्पद हो तत्पद का अर्थ होता है और लोक शब्द का अर्थ तत्वपद का अर्थ होता है, अभेद करना है, इसलिए कर्मधारे समास करना ब्रह्मलोक में। तस्य युक्तम प्रभाव उसी को अन्य युक्ति बताते हैं श्रोतम से, समय हो गया फिर बात हो गई, थोड़ी बात लिख रह गई फिर करेंगे, समय हो गया है श्रोतम से आदि लेना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।